खानपुर के सपूत कैप्टन फयाज अहमद शहीद, जो कि 2009 में ऑपरेशन के दौरान सवात के मकाम पर बहादुरी से दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए खानपुर में एक यादगार भी तमीर की गई है, जो कि खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल शहीद के भाई के साथ मौजूद हैं। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानपुर के सपूत कैप्टन फयाज अहमद शहीद, जिन्होंने 6 जून 2009 को सवात में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए खानपुर में उनके नाम से मनसूबे यादगारी बनाई गई, जो कि इंतजामिया और लोकल गवर्नमेंट की अदम तवज्जो के भाई जबू हाले का शिकार है। मिसाल इस वक्त यहाँ पर कैप्टन फयाज अहमद के भाई नियाज अहमद धुनिया मौजूद हैं, इनसे बात कर, सर ये बताएं कि यादगार के हवाले से क्या कहेंगे, इंतजामिया से क्या अपील करेंगे आप? जी बिल्कुल, 2020 में ये कैप्टन फयाज अहमद शहीद चौक का इफ्तिताह किया गया। इनिशियली इस पर 1 मिलियन का बजट एलोकेट किया, जो कि पाक आर्मी ने 72 पंजाब यूनिट के तौर से बनाएगी। अब 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख लें, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हुआ, ना ही हमें वो बजट जो मुख्य था 10 लाख का वो प्रोवाइड किया गया। अभी जाके चौक तोड़ फोड़ का शिकार है, अभी फ्लाईओवर बन रहा है तो यहाँ पे डस्ट और काफ़ी दफ़ा टूट चुकी है, अपने तौर पर मेंटेन कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है पाक आर्मी से, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ACDC से कि आप कम अज़ कम जो बजट इस पर एलोकेट किए गए वो लगाएं, ताकि हम अपने शहीद को उस तरह से खिलाई तहसीन पेश कर सकें और आने वाली नस्लों को एक अच्छा पैगाम दे सकें। जिनका यही कहना है कि 4 साल पहले कैप्टन फयाज अहमद शहीद की यादगार बनाने के लिए 10 लाख का जो है बजट मुख्य किया गया था, जो कि ताल ना लगा। इन्होंने आर्मी चीफ, डिप्टी कमिश्नर हिमेश खान, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर यही मुतालबा है, खुदारा जो है इस यादगार को मेंटेन किया जाए, ताकि जो है खानपुर की तारीख में आने वाली नस्लें जो हैं कैप्टन फयाज अहमद की शहादत से रोशना हो सके और हुब्बुल वतनी के जज्बा को फ़रोग मिल सके। जी।